बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कनाडा इमिग्रेशन के कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली अपडेट में बात करेंगे दोस्तों कनाडा IRCC की स्ट्राइक की, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में प्रोसेसिंग टाइम जो है वो मज़ीद स्लो हो सकता है। सेकेंड अपडेट में बात करेंगे दोस्तों हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स की PPRs की, उनकी PPR दोस्तों काफ़ी टाइम पहले आ चुकी थी और वो मेरे साथ केस भी अपना डिस्कस कर चुके थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ उनके केसेस को डिस्कस किया जाए और उनके रिजल्ट्स भी बताए जाए। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि इस टाइम के ऊपर किन किन लोगों के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में कौन कौन अपने रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राज़िक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज चैनल बटन होगा उसको दबा दो, बिल्कुल दबा बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों रिसेंटली कनाडा इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दिया गया है कि कनाडा IRCC के काफ़ी ज़्यादा स्टाफ जो है वो स्ट्राइक पर जाने वाले हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स के लोग स्ट्राइक पर होंगे और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब इन स्ट्राइक्स के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल हैं कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे उसे भी अपडेट कर दिया गया है। नंबर वन के ऊपर है दोस्तों IRCC सर्विस डिसरप्शन, इसके अलावा सेकंड नंबर के ऊपर है सर्विसेज कनाडा एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ESDC। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर के ऊपर है, इसका नाम है CRA सर्विसेज डिसरप्शन। फ्रेंड्स ये तीन डिपार्टमेंट हैं जो कि इस वक्त स्ट्राइक के ऊपर है और फाइनली आज से ये स्ट्राइक स्टार्ट हो चुका है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि इन डिपार्टमेंट की स्ट्राइक्स की वजह से कौन कौन सी कनाडा की ऐसी सर्विसेज हैं जो जिसके ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर उसके बारे में भी अपडेट कर दिया गया है। नंबर वन के ऊपर है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। जितनी भी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है दोस्तों उन सब में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मतलब कि आने वाले दिनों के अंदर जो रिजल्ट होंगे उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होने जा रही है। सेकंड के ऊपर है दोस्तों इन पर्सन अपॉइंटमेंट्स एंड इंक्लूडिंग सिटीजनशिप सेरेमनी। तो जितने भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह दिए जाते थे उसके अंदर भी आपको स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने को मिलेगी। नंबर थ्री के ऊपर है कॉन्टैक्टिंग IRCC वाया ईमेल, फ़ोन नंबर और सोशल मीडिया। तो जितने लोग भी IRCC से कॉन्टैक्ट करते थे ईमेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, उन सब के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, आपको भी रिप्लाइज देखने को नहीं मिलेंगे। नंबर फोर के ऊपर है दोस्तों सर्विसेज फॉर कॉन्सुलर और सिटीजनशिप एंड पासपोर्ट। तो इन सर्विसेज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने जा रही है। नंबर फाइव के ऊपर है इन कनाडा पासपोर्ट सर्विसेज। अब ये स्ट्राइक दोस्तों कल से स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले कुछ वीक्स के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अब ये स्ट्राइक कब तक चलेगी कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं की गई है। देखते हैं दोस्तों कि आने वाले दिनों में ये स्ट्राइक कब तक ख़त्म की जाती है और जो उनकी शर्तें हैं उन्हें माना जाता है या फिर नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट्स की। तो फ्रेंड्स हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमारे साथ PPR शेयर की है, जिसमें विजिटर वीज़ा वालों की भी है, स्टूडेंट वीज़ा वालों की भी है। तो मैं आपके साथ लाइन से वो PPR शेयर करता हूँ। टोटल तीन PPRs हैं। नंबर वन के ऊपर जो है उनका नाम है हरपाल सिंह। इसके अलावा इन्होंने दोस्तों अपनी एप्लीकेशन जो सबमिट की थी वो 2 मार्च 2023 को की थी। बायोमेट्रिक जो हुए इनके वो 8 मार्च को हुए। मेडिकल जो उनका अपडेट हुआ वो 21 मार्च को हुआ और साथ ही में 12 अप्रैल को जो है वो इनकी PPR रिसीव हुई है। सेकंड केस हमारे पास रानी का है, जो कि हमारी एक सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने हमें ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया था और उनके हस्बैंड का ये केस है जो कि इन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया है। इन्होंने बिल्कुल फ्रेश केस अप्लाई किया था विजिटर वीज़ा का, जो कि 4 फेब को किया था। मेडिकल जो इनका पास हुआ वो 8 फेब को हुआ। 2 मार्च को इनकी एप्लीकेशन रिव्यू में चली गई थी और फिर 8 अप्रैल को इनको PPR रिसीव हो चुकी है। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि विजिटर वीज़ा वालों के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छी स्पीड से देखने को मिल रहे हैं।
थर्ड केस जो हमारे पास है दोस्तों वो है स्टडी वीज़ा का। इन्होंने 22 मार्च को जो है वो अपना केस अप्लाई किया था। इसके अलावा इन्होंने बायोमेट्रिक 27 मार्च को करवाई। इसके अलावा 14 अप्रैल को इनकी PPR रिसीव हो चुकी है। फ्रेंड्स, इस वक्त अगर बात करें कि रिजल्ट्स किन किन के देखने को मिल रहे हैं, तो स्टूडेंट वीज़ा के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में देखने को मिल रहे हैं। प्रोसेसिंग टाइम भी इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे इनटेक करीब आता जाएगा, ऐसे जैसे इनकी प्रोसेसिंग टाइम मज़ीद फास्ट और मज़ीद बूस्ट होता जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों विजिटर वीज़ा वालों की, तो विजिटर वीज़ा वालों के रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब जो ये स्ट्राइक जो है वो बीच में आ गई है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और ये तमाम कैटेगरीज में देखने को मिलेगा, सिर्फ विजिटर वीज़ा वालों को नहीं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों ओपन वर्क परमिट और वर्क परमिट वालों की, तो उनके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हाई डिमांड ऑक्यूपेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी देखने को मिल रहे हैं, उनके वर्क परमिट कैनेडा IRCC जल्दी इशू कर रहा है। और इस वीक भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिनके भी ऑक्यूपेशन इन डिमांड के अंदर है उन्हीं के रिजल्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।